हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीजी स्कूल ऑफ जेसीआरटी झारखंड। माय नेम इज मोहम्मद इजाज उल हक एंड टुडे वी विल इन्हेंस आवर वर्ड पावर। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि किसी भी भाषा में मास्टरी हासिल करने के लिए हमें उस भाषा के वर्ड पावर की आवश्यकता होती है। जब हम उस किसी भाषा के वर्ड पावर को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो हम कहते हैं कि वो अब उस भाषा में हमें बोलना, हम उस भाषा की बातों को समझना, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना और किसी चीज़ को लिखना बहुत आसान होता है। और इस पर पिछली कक्षाओं से भी हमने काम किया था, जैसे जिसमें इंग्लिश के एक ही वर्ड जिसके स्पेलिंग सेम होते हैं उनको अलग अलग तरीके से हम लोगों ने उसके मीनिंग्स देखे थे। जैसे आप बैट है, बैट के में आप बल्ला भी कहते हैं, बैट में चमगादड़ भी कहते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं जो अगर नाउन है तो नाउन ही के तौर में उसमें इस्तेमाल होते हैं, या वर्ब है तो वर्ब से हम उसको नाउन में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं जिसकी स्पेलिंग सेम होती है। अगले फिर हमने ये देखा कि बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम लोग नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी और एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस पर भी हम लोगों ने काम किया है। जैसे अगर आप कहें कि प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें हम लोगों ने वाटर को एक नाउन के रूप में इस्तेमाल किया, और जब हम कहें कि वाटर द प्लांट, तो इसमें हम लोगों ने वाटर को वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया। इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका हम लोग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिर्फ उसमें टू लगा देते हैं या उसका इस्तेमाल जो है वर्ब की तरह पे किया जाता है। अब जैसे टू वाटर मीन्स होता है पानी पटाना, अगर टू प्लांट मीन्स होता है पौधा लगाना, अगर प्लांट कहेंगे तो पौधा होगा। अब यूनिट टू में हम लोगों ने ये बात की थी कि कैसे किसी रूट वर्ड को में सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके हम लोग उसको एक नया वर्ड बनाते हैं जिसकी एक मीनिंग अलग होती है। जैसे अगर हम कहें कि प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, और उसी से हम लोगों ने प्रिवेंशन और प्रिवेंटेड वर्ड बनाए, या वंडर से वंडरफुल बनाए या वंडरस बनाए, तो इस तरह के वर्ड जो है हम लोगों ने बनाए थे पिछले अध्याय में। इस अध्याय में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर कैसे किसी वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल बनाते हैं हम लोग, डिफरेंट खासतौर से फोकस होगा हमारा यहाँ कि हम लोग उस किसी नाउन को कैसे हम लोग एडजेक्टिव में चेंज करते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक वर्ड को कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम लोग उस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर सकते हैं, उसको नाउन बना सकते हैं या एडजेक्टिव बना सकते हैं या एडवर्ब या वर्ब बना सकते हैं। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग से अगर हम उसको नाउन बनाते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ कहते हैं, और जब हम उसको अगर एडवर्ब बनाते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्गली, और उसको अगर वर्ब बनाएंगे तो स्ट्रेंथन कहेंगे। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब इस यूनिट में हम लोग कुछ हमारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें वो नॉन के एग्जांपल्स हैं, तो उस नॉन के एग्जांपल को हम लोग को चेंज करना है उसको एडजेक्टिव में, एंड वी हैव टू यूज देम इन ए सेंटेंस। तो कैसे हम लोग उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले ये जान लें थोड़ी सी बात कि कुछ इंडिकेटर्स हैं कि हम कैसे पता करते हैं कि ये नॉन है या ये एडजेक्टिव है। तो इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड टू ऑल द थिंग्स, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट दीज आर द इंडिकेटर्स फॉर नॉन एंड एडजेक्टिव। हम लोग कह सकते हैं कि नॉन एडजेक्टिव के लिए इंडिकेटर्स हैं। जैसे अगर आप देखें कि किसी वर्ड के अंत में टी आई ओ एन है या एस आई ओ एन है, या उसमें ई एन सी ई है लगा हुआ है, ए एन सी लगा हुआ है, या एन ई डब्ल्यू एस लगा हुआ है, या एम ई एन टी लगा हुआ है, तो वैसे अक्सर शब्द जो हैं वो नॉन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और एडजेक्टिव के लिए वैसे शब्द होंगे जिसमें आप देखेंगे कि आमतौर पर एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग ईडी का प्रयोग करते हैं, या उसमें एल ई डब्ल्यू एस लेस लगा देते हैं, या उसमें ए एन टी लगाते हैं, या ई एन टी लगाते हैं, या ए बी एल ई लगाते हैं, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर काम करेंगे, फिर देखते हैं कि इसमें कैसे हम अपने अपने वर्ड पावर को इन्हेंस कर पाते हैं। आमतौर पे जब हम लोग नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसमें सफिक्स जोड़ते हैं, जैसे कुछ सफिक्स ऐसे हैं एबल सफिक्स है, या इश सफिक्स है, बुकिश, या उसमें हम लोग लेस लगाते हैं, फुल लगाते हैं,
आमतौर पे उसमें लगाने के लिए हम लोग नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग वो इन सफिक्सों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम लोग जो है वो जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग वो होगा एबल या नेस, जो एग्जांपल दिया गया आपको नेस लगाएंगे या डम लगाएंगे, डी ओ एम डम, उस पर हम लोग बात करते हैं, फोकस करते हैं इन दिनों पे। तो ये नॉलेज से मैं एबल लगाया तो नॉलेजेबल हो गया। उसी तरीके से इसको हम लोग सेंटेंस में करेंगे ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन। अब यहाँ पे एक वर्ड है आपका फैशन इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग लगाएंगे एबल तो हो जाएगा फैशनेबल। फैशनेबल ही इज ए फैशनेबल पर्सन। अगर देखते हैं दूसरा नोटिस, नोटिस सूचना को कहते हैं, उसमें आपने लगाया एबल तो क्या होगा, नोटिसेबल। उसी तरीके से आप दूसरा जो हमारा इसमें होता है कि हम लोग जो है वो जैसे आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ है, strength, स्ट्रेंथ, इसको अगर इसका अगर रूट वर्ड देखें कि कहाँ से ये बना है तो ये वो उसका ये एडजेक्टिव से ही आया है, ये स्ट्रॉन्ग से आया है, स्ट्रॉन्ग। या आपने वीक, वीक से वीक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और इससे इससे ये चेंज हुआ है तो उसमें नेस लगा के वीकनेस, वीकनेस ये नाउन बनाया गया है। उसी तरीके से क्लेवर है, उससे बनाया गया है क्लेवरनेस। चालाक, चालाकी, कमजोर, कमजोरी, मजबूत, मजबूती। तो ये इसके जो है वर्ड्स के बनाए गए हैं। अब अगर हम कहें कुछ ये एजुकेशन, एजुकेशन यह नाउन है, इसे चेंज करना है तो इसमें अल लगाएंगे, एजुकेशनल, एजुकेशनल। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एबल लास्ट में एबल सफिक्स के रूप में एबल, या एल या लास्ट में आई सी जैसे इकोनॉमी, इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल, आई सी एल इकोनॉमिकल, या टायरलेस, तो एलिस लेस लगा कहते हैं, कहीं कहीं कहते हैं माइंडलेस, और या इश लगा करके कहते हैं बुकिश, चाइल्डिश। तो ये है हमारे एडजेक्टिव्स बनाने के, बहुत सारे इस तरह के हैं आपको वर्ड्स जिसमें आप इन सफिक्स को लगा करके आप उसको एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो अब ये इनको सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी एडजेक्टिव होता है तो किसी नाउन को या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। तो अगर आपको कहना है कि कोई कोई आपके पास कोई पोस्ट आया, वो पोस्ट बहुत ही ज्ञानवर्धक था, उस पर जानने योग्य बहुत सारी बातें थी, तो आप उसको कहते हैं, कह सकते हैं इट इज़ ए नॉलेजेबल पोस्ट, ये जो है वो ज्ञानवर्धक पोस्ट है। ही इज़ ए फैशनेबल पर्सन, वो एक जो है वो बहुत ही फैशन वाला व्यक्ति है, फैशन करने वाला व्यक्ति है। उसी तरह से ये जो है ये जो बात है इट इज़ नोटिसेबल मैटर, ये बात को हम नोटिस कर सकते हैं, इसको नोटिसेबल मैटर है ये। या ही इज अ लवेबल बॉय, वो प्यार करने योग्य जो है बच्चा है। तो इस तरीके से हम लोग उसको इसको सेंटेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव से हम लोगों ने चेंज किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ किया, वीक से वीकनेस, क्लेवर से क्लेवरनेस, ऐसे
बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो रूट वर्ड हैं उसमें कुछ बदलाव ला करके उसको हम लोग उसको चेंज करते हैं, उसको रूट वर्ड में बदलाव ला करके ही उसमें हम लोग चेंज करते हैं। तो ये जो है वो हमारा जो है वो चाहे तो नाउन के बनाने के लिए या एडजेक्टिव बनाने के लिए रूट वर्ड में कुछ चेंजिंग लाते हैं। तो आप आई थिंक ये जो इससे आप वर्ड पावर को एनहेंस करने में कुछ फ़ायदा होगा। आप ये खूब प्रैक्टिस करें और देखें आपके जो बुक हैं उसमें कहाँ कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है दिया। जैसे आप इसी पपेट के जो 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 यूनिट है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, फोर पपेट्स, उसमें आप देखेंगे विजडम का शब्द इस्तेमाल किया गया, वो किससे बना है। तो ये वर्ड इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, फ्री से फ्रीडम, आप उसको लाएंगे, आप कहाँ से वर्ड मिलते निकलते हैं, आप खोजें उन वर्ड्स को कि इसका रूट कौन सा है। जब इस पर ध्यान देंगे, थोड़े से ध्यान देंगे, तो आपका जो है वर्ड पावर जो है वो इन्हेंस कर जाएगा। थैंक यू।